राज्य सरकार द्वारा नशे के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य में नौजवानों को नशे से बचाया जा सके। इसी के चलते बीती रात सूचना मिलने पर सीआईए स्टाफ द्वारा पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर नाका लगाया गया और वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान जब एक गाड़ी को रोक चेकिंग करने की कोशिश की गई तो उसमें सवार तीन युवकों द्वारा सीआईए स्टाफ पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में कुल तीन राउंड फायर किए गए, जिसके बाद सीआईए स्टाफ के बहादुर नौजवानों ने मुश्ती दिखाते हुए तीनों आरोपियों को काबू किया। पकड़े गए आरोपियों से 265 ग्राम हेरोइन, दो जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल बरामद की गई। फिलहाल पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर किया गया है। बताया जा रहा है कि यह तीनों नशा तस्कर है और अक्सर ही नशा तस्करी के संबंध में पठानकोट आते जाते रहते थे। तीनों आरोपी जिला गुरदासपुर के बताए जा रहे हैं, जिन पर पहले भी मामले दर्ज है। पंजाब न्यूज चैनल के लिए पठानकोट से कंवल रंधावा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों नशे मुहिम चलाई गई है, इस जी कार्रवाई करते हुए मानयोग डी जी पी साहब तो एस एस पी गुरनीत खुराना जी के दिशा निर्देश हेठ जी है पंजाब पठानकोट पुलिस ने जी हैगी बहुत वही एक सफलता प्राप्त की है। कल साढ़े 7 PM दौरान जी साढ़े सी आई इंचार्ज साहब ने जो एक नाका लाया हुआ झाको लाड़ी उत्ते, उस दौरान जो गड्डियों चैकिंग कर रहे थे तो एक गड्डी जी गुरदासपुर साइड तो आ रही थी जिन्होंने रोकने का इशारा किया गया, जिन्हें इमीजिएटली जोड़े से साढ़े पुलिस पार्टी पर तीन राउंड जोड़े आ फायर कर दते। इमीजिएटली इस गल जे साडे पुलिस पार्टी ने जोड़ा इन्हों राउंड अप कर लिया और इन्हों पोजैशन के एक पिस्टल, तीन जोड़े चले हुए कारतूस के काटीजे से और इन्हों की पोजैशन 265 ग्राम जी हैरोइन रिकवर की है, ना इन्हों की एक I-20 गड्डी जी रिकवर की है। ये बंदे जोड़े से गुरदासपुर साइड तो पठानकोट साइड में नशा सप्लाई करना आ रहे थे, पहला भी इस तरह के आते थे, साढ़े को सीक्रेट इनफॉर्मेशन सी कि अज भी बंदे साढ़े इलाके जोड़ा है अपनी जी ड्रग्स की सप्लाई कर आ रही बिल्कुल जी आ जो असं करणवीर सिंह एक फड़िया है ये जो सू एस टी एफ वालों जो चार किलो 210 ग्राम जो परचा ये उत्ते दिता गया मोहाली वो लुड़ींदा भगौड़ा हो गया सूचे सूँ वॉन्टड और बहुत व्डा जी है बिग कैच असी किया है ड्रग्स के वे बहुत व्डा नशा तस्कर तस्कर से इंटरनेशनल लैवल का जोड़ा सगा तस्कर उन्होंने गिरफ्तार किया गया। हाँ जो करणवीर सिंह है ये खिलाफ जोड़े है 12 मुकदमे ऑलरेडी जोड़े है दर्ज होए हुए हैं और जो दूसरा मनदीप हैगा भी खिलाफ जोड़े है 6 मुकदमे पहला भी दर्ज हैं, तो गैंगस्टर जोड़े गगू जगू हैगा गैंग्स के नाल रिलेटेड है। इन्हों के खिलाफ जो हूँ असं पंजाब पुलिस ने जो पठानकोट पुलिस ने है 42 नंबर FIR जी 307 के 353 आर्म्स एक्ट तो NDPC एक्ट के तहत जी दर्ज करके कर रही है। ये चीज़ा जीडिया इनवैसटीगेशन है जी ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन ही तुम असं दसा हजे जो दस सा केस जो खराब हो सारिया गल हजे ना जी रिमांड लै लिया ना 2 दिन का रिमांड के दौरान ने पुछ के सारिया गल सामने आ जाएगी फिर तुम जरूर शेयर करा जिस तरह कर्फ्यू लग जाता है देखो हमेशा जो क्रिमिनल आदमी होंगे ना जो भी उन्होंने जो भी हालात होंगे मौका का फायदा चुक के जो है अपनी कार्रवाई अंजाम दिता रहा, बट एट द सेम टाइम पुलिस भी अपन जगह उस तरीके प्लानिंग करते रहते हैं नाके वधाते रहते हैं। देखो जिदा असी नाका लगाया सख्ती और CIA इंचार्ज साहब ने बहुत वधिया जी है रिकवरी कर ली इन असी एक PO गैंगस्टर जरा वो भी तो एक समगलर भी जो इंटरनेशनल समगलर वॉन्टड से फड़ लिया गया। पुलिस भी हमेशा अपने जी प्लैनिंग उस हिसाब न करके जी है करती रहती है। आगे बढ़ना है जिन्हें वो शान से चुने GNA University पूरे होते हैं जहां सपने promising जिंदगी यहां बने GNA University शान से चुने सफल होंगे ये ठाना है हमने गर्वित होंगे अपने पूरे होंगे सपने आगे बढ़ना है जिन्हें वो शान से चुने GNA University Inspiring Innovation GNA University We at GNA University
see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.